तो लास्ट सेक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया था, ये सेक्शन में क्या कंप्लीट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, याद रखिए जैसा मेल में असेंशियल ऑर्गन्स है वैसे यहाँ पे भी कुछ असेंशियल ऑर्गन्स है। इसके असेंशियल ऑर्गन जैसे मेल में टेस्टिस थे, टेस्टिस के इक्विवेलेंट ऑर्गन यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं ओवरीज। क्या बोलते हैं? ओवरीज। दो टेस्टिस होते हैं मेल के लिए, दो टेस्टिस होते हैं मेल के लिए और दो ओवरीज होती है फीमेल के लिए। तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस बाय ओवरी। डिफरेंस याद रखिए दोनों में। ओके, तो इसमें फर्स्ट असेंशियल ऑर्गन जो है दैट इज ओवरी। ओके, ओवरी के भी दो फंक्शन होते हैं, जैसे मेल के दो फंक्शंस थे टेस्टिस में, टेस्टिस गैमेट भी प्रोड्यूस करता है और टेस्टिस हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही यहाँ पे गैमेट भी प्रोड्यूस होता है और फिर हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। कौन सा गैमेट प्रोड्यूस होता है? सो इट इज ओवम। ओके, क्या प्रोड्यूस होता है? ओवम प्रोड्यूस होता है। ओवम इज नथिंग बट एग। जैसे मुर्गी अंडा देती है वैसे फीमेल में ओवम होते हैं, बट वो मुर्गी अंडा देती है, फीमेल्स अंडा देते नहीं, वो अंदर ही रहता है, वो ओवम है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हार्मोन, हार्मोन इज एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, किसी किसी बुक में ओ से स्टार्ट होता है, ओ इज साइलेंट, वो स्पेलिंग भी करेक्ट है और जो मैंने अभी आपको लिखा के दिया है दिस स्पेलिंग ऑल्सो करेक्ट, एस्ट्रोजन। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ओवरी कहाँ है। सो दिस रेड ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज ओवरी। ठीक है, कितना बड़ा होता है ये सिस्टम? तो ये जो पाल्म है आपका, दिस पाल्म, बस इतना ही बड़ा ये सिस्टम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये इतना बड़ा सिस्टम है। कहाँ प्रेजेंट है? तो ये एब्डोमेन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है। एब्डोमेन पता है ना, एब्डोमेन, ये थोरैसिक कैविटी है और ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है। फीमेल की ही बॉडी में रहेगा, मेल की बॉडी में नहीं रहेगा, क्योंकि कौन सा सिस्टम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अभी जो हाथ की तरह दिखता है दिस इज कॉल्ड एज फॉलोपियन ट्यूब, इसको ओवेरियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवेरियन ट्यूब। तो फॉलोपियन ट्यूब बोलो या ओवेरियन ट्यूब बोलो। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है यहाँ से भी आया है और इस तरफ से भी आया है और कॉमनली आके ओपन होता है एक बड़े से बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूटेरस। क्या नाम है इसका? यूटेरस। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है? यूटेरस। तो यूटेरस एक कंप्लीटली बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अगर मैंने इसको कट किया यहाँ से, तो कट करने के बाद में इसके अंदर आपको एक वॉल दिखेगा एंड दिस वॉल इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। क्या नाम है उसका? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है, याद रहेगा नाम उसका। इसका फंक्शंस क्या होते हैं एंडोमेट्रियम के देखेंगे बाद में हम। तो ओवरी है ये प्राइमरी ऑर्गन, असेंशियल ऑर्गन है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इससे कनेक्टेड है फॉलोपियन ट्यूब, उससे कनेक्टेड है यूटेरस, यूटेरस के अंदर का जो लाइनिंग है दिस लाइनिंग इज एंडोमेट्रियम। ओके, अब ये जो पार्ट है ये सर्विक्स बोलते हैं, ये सर्विक्स, और इसके जो नीचे का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम है वजाइना। ठीक है, तो टोटल ऑर्गन जो मेन ऑर्गन से बता देता हूं मैं आपको, एक फर्स्ट ये वाला ओवरी, सेकंड फॉलोपियन ट्यूब ओपन होता है यूटेरस में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वजाइना। ये पॉइंट्स नहीं भूलना है,
और इन पॉइंट के हेल्प से ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। एंडोमेट्रियम मेन पॉइंट नहीं है, जब यूटेरस को एक्सप्लेन करोगे तो एंडोमेट्रियम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ओवम, ये जो निकला ये ओवम है, इस पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। चलिए अभी यहाँ तक समझ में आ गया, लेबलिंग समझ में आ गया आपको, इसके फंक्शंस अंडरस्टैंड करते हुए, फंक्शंस में क्या क्या है इसमें। तो फंक्शंस के अंदर सबसे पहले याद रखिए कि ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, बोलिए क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम प्रोड्यूस करता है, ओके। ओवरी ओवम प्रोड्यूस करता है, ओके। अभी जो ओवम है, ओवम, ये ओवम कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है, ठीक है। इस ओवरी से ओवम निकलेगा, ये ओवम यहां से इसके पास आएगा। ये जो फोलैपियन ट्यूब का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से ओवम को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अंदर खींचने के बाद में ये ओवम यहां से मूव करते 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 यूटेरस के अंदर आएगा। यहां तक समझ में आया? इसके फंक्शंस देख लीजिए, ओवरी के फंक्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्या होता है। ये यहाँ पे जो फिमराय है, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या करता है, उसको खींचता है। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टडी किया था ना प्लांट का हमने, एनिमल में फर्टिलाइजेशन होता है, तो एनिमल में फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो जब ये ओवम यहाँ से मूव करते करते ओवम यहाँ पे आता है, ओके, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ से इसको स्पर्म मिलेगा, और ये स्पर्म जो है मूव करते करते इसके पास आएगा और इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। याद रखो, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में, ओवेरियन ट्यूब में, ओके। इसको ओविडक बोलेंगे तो बेस्ट है, वो आपने भी पूछा था ओविडक, ठीक है। तो ये ओवेरियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, ओविडक्ट बेस्ट नाम उसका, वही देता हूँ। चलो ये ओविडक ही बोला था ना आपने, ओविडक, समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अच्छा इसके अंदर भी ना, अभी यहां पे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था लेकिन अंदर कैसे मूव करता है? क्योंकि स्पर्म के पास टेल था मूवमेंट के लिए, लास्ट टाइम बताया था मैंने। ओवम के पास टेल पेल और नेल वेल कुछ नहीं है चलने फिरने के लिए, वो सब चलने फिरने से पैदल है। तो यहाँ पे इसका मूवमेंट कैसे होता है? तो इसके मूवमेंट के लिए अंदर यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया, ओके। तो ये सीलिया का मूवमेंट होता है लाइक दिस, अंदर की तरफ। तो जब ये मूवमेंट होता है ना, तो अंदर जो ओवम है वो ओवम एक पोजीशन से निकल के आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली मूव करता है फॉलोपियन ट्यूब में, एंड इट रीचेस टू द यूटेरस। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या बन गया? जायगोट, बराबर, जायगोट बन जाएगा। बताया था ना मैंने, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है? जायगोट। और जायगोट बनने के बाद में ये एंडोमेट्रियम में आके सिंक होना स्टार्ट होएगा, अंदर की तरफ पियर करके वो अंदर की तरफ मूव करेगा। तो फिर ये यहाँ पे सेटल हो जाएगा, साइज भी थोड़ा उसका कन्फ्यूज हो जाएगा, एंड देन स्लोली स्लोली द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी विल स्टार्ट हियर, ओके। और यहाँ पे इसका कनेक्शन होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, थ्रू विच ऑल द न्यूट्रिशन थ्रू ब्लड, यहाँ पे ब्लड स्टोर होता है, थ्रू ब्लड इज गिवन इन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो अगर इसका फंक्शन बोलेंगे यूटेरस का, तो पहला फंक्शन है कि बेबी के ग्रोथ के लिए प्लेस है ये, ओके, इट इज अ साइड वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स। नेक्स्ट अगर फंक्शन बोलेंगे, शेल्टर देता है, न्यूट्रिशन देता है, मिनरल्स देता है, वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी से निकालने के लिए हेल्प करता है, ये सारे फंक्शन इसके। इसके अलावा अगर ये प्रेगनेंसी के अलावा इसका फंक्शन बोलेंगे, तो मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये ओवम यहाँ से निकल जाने वाला है बाहर विद द हेल्प ऑफ सम ब्लड लिक्विड। तो ब्लड लिक्विड कैसे होएगा? यहाँ से पूरा ये ब्रेक हो जाता है, जब ये ब्रेक होता है तो ब्लीडिंग पूरा यहाँ से निकल के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस इज अ पीरियोडिक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताता हूँ मैं अभी थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। तो फंक्शन में ये डेवलपमेंट की प्लेस भी है, सेकेंड फंक्शन इसका ये हो सकता है के मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे यहाँ पे लिक्विड स्टोर होके, इट इज द प्लेस वेयर द मेंस्ट्रुअल लिक्विड इज स्टोर, एंड देन आफ्टर इट इज रिलीज्ड आउट,
ठीक है, सर्विक्स ये जंक्शन है दोनों के बीच का, वजाइना इज इक्विवेलेंट ऑर्गेन, लाइक मेल है पेनिस, फीमेल है वजाइना, ओके, थ्रू वजाइनल ओपनिंग द स्पर्म्स आर रिलीज इनसाइड एंड द स्पर्म मूव्स अपवर्ड एंड गोज टुवर्ड्स द ओवम। क्लियर है यहाँ तक का सब कुछ? अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल।